गं गणपतये नमः बांके बिहारी लाल की जय।
श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महा। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, श्री भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए, आप सबके भीतर में बैठे हुए उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए, आइए आज पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। उससे पूर्व हरि नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। Narayan Vasudeva।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भागवत गोपी प्रेम श्री कृष्ण प्रेम के स्वरूप है। प्रेम ही कृष्ण है और कृष्ण ही प्रेम है और हम भागवत के गोपी गीत के एक श्लोक का आधार लेकर जहां गोपी श्याम सुंदर से कह रही है तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदायन। हे प्राण प्यारे, आपकी कथा अमृत स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण की कथा अमृत स्वरूप है। परे अमृत समझ में कब आएगा? जब जीव कामना रहित प्रेम करेगा। जब हमारा प्रेम कामना रहित प्रेम होगा तब ये भाव समझ में आएगा। जो श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम करता है भगवान उसके कामना विष को खींच लेते हैं। और आगे जब पूतना का उद्धार करेंगे तो भगवान ने उसके कामना विष को खींच दिया है। सर, जब अपनी करुणा कृपा किसी पर करते हैं तो उस भक्त की कामना विष को भगवान हर लेते हैं। मनहर है, चित चोर है। सर, तो भगवान की कथा अमृतमयी है। भगवान अमृत स्वरूप है और जिसे भी स्पर्श करते हैं उसे अमृत के तुल्य ही बना देते हैं। जिसको भी स्पर्श कर दे उसे अमृत के समान बना देते हैं। और पूतना को अमृत के समान कर दिया, अमृत भर दिया। उसके मन में विष पिलाने की चाह है लेकिन भगवान उसे अमृत से भर रहे हैं, उसके विष को खींच रहे हैं। भगवान उसको वासना रहित कामना रहित बना देते हैं। पूतना धन्य हो गई। पूतना विष देती है और भगवान उसको मुक्ति प्रदान करते हैं।
और कैसी करुणा है। या पूतना का ऐसा कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य होगा जो भगवान उसका उद्धार करते हैं। खैर, केवल एक बात ध्यान रखने वाली है, जो वासना रहित है उसी के हृदय में आनंद टिकता है। जिसके हृदय में वासना नहीं है, जो कामना रहित है, उसके हृदय में परमात्मा टिकता है, प्रेम टिकता है, उसका प्रेम धन्य है, उसका प्रेम पूज्य है। इसलिए गोपी प्रेम सर्व पूज्य है। और गोपी भाव में केवल वही उतर सकता है जिस पर भगवान कृपा करें। और जिसको भगवान अपनी सहचरी में, अपनी मंडली के अंदर शामिल करना चाहते हो, भगवान उसी के मन को कामना रहित बना देते हैं। और याद रखिएगा, जब तक विषयों का जो आकर्षण है, मन के अंदर विषयों के प्रति अगर आकर्षण बना हुआ है, तो आप उस गोपी भाव से कोसों दूर हैं। फिर वहां से आपसे गोपी भाव बहुत दूर है। सार इतना ही कि अपने मन को कामना रहित, वासना रहित बनाना। और भागवत का अगर दर्शन करें तो एक भाव उसके अंदर देखने को आएगा कि गोपी जो है न तो कोई तप कर रही है, न कोई जप कर रही है, न कोई ध्यान कर रही है, न कोई योग साधना कर रही है। केवल और केवल गोपी भागवत में श्री कृष्ण से शुद्ध प्रेम करती है। केवल और केवल शुद्ध प्रेम, न तप कर रही है, न जप कर रही है, न ध्यान कर रही है, न कोई योग साधना उसके पास है। केवल और केवल शुद्ध प्रेम है। और उसी शुद्ध प्रेम में त्याग भी छिपा हुआ है, उसी शुद्ध प्रेम में समर्पण भी मिला हुआ है। त्याग और समर्पण मिला हुआ है उस शुद्ध प्रेम के अंदर। ऐसा ये गोपी प्रेम है। और इसी प्रेम के आगे तो श्री कृष्ण नाचते हैं। इसी प्रेम के आगे भगवान श्याम सुंदर गोपियों के प्रेम के, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। सर, प्रेम में भगवान बड़े नियम बदल देते हैं। जो कुरुक्षेत्र के मैदान में बड़ी बड़ी धर्म की बातें करते हैं, वही कई बार पांडवों के हित के लिए ऐसा कृत्य कर देते हैं कि आदमी विचार करने लगता है कि श्री कृष्ण ने ऐसा किया। दादा भीष्म जिनके प्राणों जब बाणों की शैया पर थे, जिनको दर्शन देने के लिए जा रहे थे, उन्हीं दादा भीष्म पर रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े श्री कृष्ण, उनसी भीष्म के ऊपर। और क्या नहीं कराया, कहीं अपनी योग माया के प्रभाव से बादलों को, सूर्य को छिपा दिया है, कहीं द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा को मारने की बात कह करके झूठ बुलवा दिया, अश्वत्थामा हतो हत। क्या नहीं कराया कृष्ण, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। लेकिन जो भी किया है साहब, श्री कृष्ण, मैं अक्सर कई बार कहता हूं कि श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो बड़ा चिंतनीय चरित्र है, और राम जी का चरित्र जो है वो अनुकरणीय चरित्र है। राम जी के जीवन में, राम जी के जीवन को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की कथा में, श्री कृष्ण की लीलाओं में श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, केवल इस पर चिंतन कर सकते हैं।
क्यों किया, किस लिए किया, दूर। लेकिन एक बात भगवान गीता के अंदर कह देते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं, और मैं जिससे प्रेम करता हूं ऐसी गोपियों से, और जिससे मैंने प्रेम किया था, मथुरा में जाते हैं तो कुब्जा को सुंदरी कह देते हैं, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा को सुंदर बना देते हैं। गोपी प्रेम के अंदर श्री कृष्ण नाचते कूदते इठलाते हुए गोपियों के घर में मक्खन, जिसका जिस गोपी का जैसा मन, भगवान उनके मन की पूर्ति करते, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो गोपी भाव में प्रेम प्रियतम के सुख के लिए है, प्रियतम के सुख के लिए है। और गोपी प्रेम का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता, ये प्रेम की भाषा सदा सर्वदा मौन है। दर्शन करने में बड़ा अच्छा लगता है गोपियों और श्री कृष्ण का प्रेम संवाद, गोपी प्रेम, लेकिन इस गोपी प्रेम की जो भाषा है बड़ी मौन है, कहीं ढोल नहीं पीटे गए उसके, इस प्रेम के कहीं ढोल नहीं। उसका वर्णन जो है, उसकी जो जो प्रेम वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, उसके लिए मौन की भाषा है। लेकिन हम बड़े आनंद से मजे में गाते हैं, बड़े भाव से गाते हैं, प्रेम पूर्वक गाते हैं। क्या गोपी कहती श्री कृष्ण से, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया। जान कैसे तूने बंशीये बजाई रसियां, कैसे तूने बंशीये बजाई रसियां, जान कैसे तूने बंशीये बजाई रसियां, जान कैसे तूने बंशीये बजाई रसियां, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, हाँ मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया। पनघट पे तू छेड़े सखियों को, छेड़े सखियों को पनघट पे तू छेड़े सखियों को, पनघट पे तू छेड़े सखियों को, भाता है तू सबकी अखियों को, भाता है तू सबकी अखियों को, भाता है सबकी अखियों को, भाता है तू सबकी अखियों को, घायल कर दे अपनी अदा से, घायल कर दे अपनी अदा से, अरे घायल कर दे अपनी अदा से, घायल कर दे अपनी अदा से, जादूगर पिया मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया। जाने कैसी तूने बंशीये बजाई रसिया, जाने कैसी तूने बंशीये बजाई रसिया,
पंछी ये बजाए रसिया, ऐसी तूने बंसी ये बजाए रसिया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सामने पिया, तेरी हो गईया मेरे सामने पिया, देखते ही दिल ले जाता है, देखते ही तू दिल ले जाता है, देखते ही दिल ले जाता है, देखते ही तू दिल ले जाता है, हाथ मगर कभी ना आता 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 है, कर दे सब पे जादू टोना, कर दे सब पे जादू टोना, अरे कर दे सब पे जादू टोना, कर दे सब पे जादू टोना, जादूगर पिया मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, 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 जाने कैसी बंशी तूने ये बजाई रसिया, जाने कैसी बंशी तूने ये बजाई रसिया, जाने कैसी बंशी तूने ये बजाई रसिया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, मैं तो तेरी हो मेरा डोले रे, हाँ बंशी की धुन पे मन मेरा डोले, बंशी की धुन पे ये मन मेरा डोले रे, जुबा से मगर कुछ भी न बोले रे, जुबा से मगर कुछ भी न बोले रे, जुबा से मगर कुछ भी न बोले, जुबा से मगर कुछ भी न बोले रे, आप ही आँख में घायल कर दे, 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 ओ ऐसा है पिया मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, मैं तो तेरी हो गईया जाने कैसी बंशी तूने ये बजाई रसिया, 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 मैं तो तेरी हो गईया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, आने लगा अब तो मेरे सपनों में, आने लगा अब मेरे सपनों में, आने लगा अब तो मेरे सपनों में, आने लगा अब मेरे सपनों में, बदनाम हुई मैं तो मेरे अपनों 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 में,
देकर बेखबर हो गई, देकर बेखबर हो गई, दिल देकर बेखबर हो गई, देकर बेखबर हो गई। मेरा है पिया मैं तो तेरी हो गईया, मेरे सांवरे पिया मैं तो तेरी हो गईया, मेरे सांवरे पिया मैं तो तेरी हो गईया, मेरे सांवरे जान के जी बंशी तूने ये बजाई रसिया, 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 मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे पिया, मैं तो तेरी हो गईया मेरे सांवरे, प्रेम की जो भाषा है वो मौन है और प्रेम की पहचान कोई सुंदरता नहीं है, केवल और केवल शुद्ध प्रेम, ये प्रेम की पहचान है शुद्ध प्रेम। गोपी प्रेम की पहचान है जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका भाव शुद्ध है, जिसका प्रेम शुद्ध है। और गोपी प्रेम के अंदर बुद्धि का महत्व ही नहीं है, बुद्धि है ही नहीं, मन और बुद्धि तो भगवान श्री कृष्ण के पास है। बुद्धि का प्रेम में कोई स्थान ही नहीं है। तो गोपियों के प्रेम में जहां बुद्धि का कोई स्थान नहीं, क्योंकि गोपियों ने अपने मन और बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया हुआ है। गोपी भाव में कोई तपस्या नहीं, हां एक बात है, वहां तपस्या नहीं, वहां तड़प है, तड़प है, गोपियों में तड़प है।
और उसी तड़प में ही तो वो बोल रही है। ये गोपी की, गोपी का आरत स्वर है साहब, जिसमें अश्रु भी है, मनस्थिति भी झलक रही है, मिलन की उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा, और फिर प्राण प्यारे को पुकार रही है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। तव कथामृतम तप्त जीवनम। श्री कृष्ण की कथा अमृत है, गोपियों को अमृत के समान लग रही है। गोपियां एक दूसरे को घेर कर बैठ जाती है, श्री कृष्ण की बात बताओ, कोई कृष्ण की बात बताओ, कोई कृष्ण की बात बताओ, कोई कृष्ण की बात बताओ। क्योंकि कृष्ण की कथा, कृष्ण की बात जो है वो तप्त जीवनम, जीवन देने वाली है। तव कथामृतम, और ऐसी कथा जो श्रवण मंगलम है, जिसका श्रवण मंगल करता है। मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर। मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। जो मंगल करे साहब, मंगल भवन अमंगल हारी। अभी गणेश उत्सव गया तो हम सब ने गाया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति। और यहां भगवान श्री कृष्ण की कथा मंगल है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदानं। कल्याण करने वाली है आपकी कथा, और सचमुच में वो बड़े भाग्यशाली हैं, वो धनभागी हैं जो भगवान की कथा का दान करते, परम दान सा भगवान की कथा का दान। तो गोपी भाव में तपस्या नहीं, गोपी भाव में तड़प है सा, तड़प है। ब्रज की गोपियां साधारण नहीं, श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि ये जो गोपियां हैं वो भक्ति संप्रदाय की आचार्या हैं, भक्ति संप्रदाय की आचार्या हैं। ये गोपियां साधारण गोपी नहीं, असाधारण हैं ये गोपियां। और भक्ति कैसी हो ये गोपियों ने समझाया है सर, कैसी भक्ति होनी चाहिए ये गोपियों ने समझाया है। कृष्ण कैसे रीझते हैं, श्याम सुंदर कैसे प्रसन्न होते हैं, ये गोपी चरित्र को पढ़ करके देखिएगा, गोपी प्रेम में दर्शन करिएगा, गोपियां भगवान श्री कृष्ण को कैसे रिझाती हैं। यहां संसार के रूप में आसक्ति माया है, और भगवान के सौंदर्य में आसक्ति भक्ति है। फिर से ठीक से समझना, संसार के रूप में आसक्ति जो है वो माया है, और यही माया भगवान के सौंदर्य में जो आसक्ति है ये भक्ति है। मेरा मन
मोह लिया। अरे किसने मोहा? कुंडला वाले ने, हारा वाले ने, मुक्ता वाले ने। कैसे मोहा? बंशी बजा करके। मेरा मन मोह लिया कुंडला वाले, मेरा मन मोह लिया कुंडला वाले, मेरा मन है है मेरा मन है 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 मेरा मन है 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 मेरा मन है 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 मेरा मन मोहलिया कुंडला वाले, मेरा मन मोहलिया कुंडला वाले। पंछी की तान सुना के, बंसी की तान सुना के, बंसी की तान सुना के, बंसी की तान सुना के, सुन रूप जादू पाके, सुन रूप जादू पाके, नैना के तीर चला के, नैना दे तीर चला के, सुन रूप जादू पाके, सुन रूप जादू पाके, आए नैना के तीर चला के, नैना के तीर अरे मेरा मन मोहलिया कुंडला वाले, आए मेरा मन मोहलिया कुंडला वाले, मेरा मन है है हर मेरा मन है 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 हर मेरा है 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 हर मेरा है 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 हर मेरा है 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 है। तो भगवान का सौंदर्य और सौंदर्य में जो आसक्ति है यही भक्ति है। मोर पंख मयूर मुक्ती। किसी ने कहा कि भाई कि हमारे दिल की बात हमारे श्याम सुंदर को कहना, अरे बोले उसका कुछ अता पता तो बताओ कैसा लगता है। एक ही बात कही, बोले पता लग जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। अरे बोले बताओ तो कैसा है, कैसा दिखता है। एक ही बात कही, मुकुट मोर की चाल, मुकुट मोर की चाल भी मोर सी है, यही एक निशानी मेरे चोर की है, वो ही ले गया मेरा सब कुछ चुरा के, कोई शाम प्यारे से कह दे जाके, जख्म मेरे दिल के अभी तक हरे, मेरे जख्म अभी तक हरे हैं सब, ऐसी निशानी देकर गए हैं मुझे। तो ये जो श्याम सुंदर के सौंदर्य की जो आसक्ति है साहब, ये भक्ति है। अभी तक गोपी प्रेम की विशेषताओं में हमने जो श्रवण किया था, पहला गुण रहित प्रेम, गुण रहित प्रेम। फिर कल हमने श्रवण किया कामना रहित प्रेम, और उसका तीसरा जो उसकी तीसरी प्रेम की जो विशेषता है वो ये है कि ये प्रेम जो है वो प्रतिक्षण बढ़ने वाला प्रेम है। प्रेम तो दिनों दिन बढ़ने वाला होता है साहब, प्रतिक्षणम वर्धनम, प्रतिक्षणम वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। ये गोपियों का प्रेम है जो कहती क्या है, मेरा मन मोह लिया
मन को मोह लिया, लेकिन ये मन जो है अभी श्याम सुंदर में और रमता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। और ये प्रेम बहुत, इसकी शुरुआत जो है बड़े छोटे रूप में होती है, लेकिन परिणाम जब मिलन होता है तो मिलन तो व्यापकता में होता है। जीव का घटाकाश महाकाश में मिलता है। हम कौन ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा से। भगवान ने भी कहा ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन। और याद रखिएगा, जब जब विराट रूप भगवान ने दिखाया तो भगवान के अंदर समस्त सृष्टि, और अभी बाल लीला में आएगा जब भगवान को, भगवान अपनी मां यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं, उसी ब्रह्मांड में मां यशोदा अपने आप को भी दिख रही है। आप उसकी व्यापकता देखिएगा सर। प्रेम अनंत है, प्रेम बहुत व्यापक है, प्रेम कोई शब्द छोटा सा है लेकिन उसके अर्थ में डूबोगे तो बड़ा महासागर है सर, बड़ा महासागर है। गंगा की धारा जहां गोमुख से निकलती है, उस गोमुख से जब गंगा जी निकलती है तो बहुत पतली सी धारा होती है, बहुत पतली सी धारा, लेकिन वही धारा धीरे 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 जब नीचे उतरती चलती है तो ऋषिकेश से आकर थोड़ा सा और रूप, हरिद्वार में आकर और रूप हो जाता है, और जब गंगा सागर तक पहुंच जाती है तो महासागर में विलीन हो जाती है। अथा गंगा, अथा गंगा। लेकिन उसका प्रारंभ जो होता है वो बहुत छोटी सी धारा से प्रारंभ होता है, गोमुख की धारा। तो ये प्रेम, जब प्रेम की शुरुआत होती है तो बहुत थोड़े से छोटे से होती है। और मैंने पहले ही कहा कि ये प्रेम की भाषा बड़ी मौन भाषा है, लेकिन यही प्रेम अनंत हो जाता है, यही प्रेम विशाल हो जाता है। जो कृष्ण घुटनों घुटनों चलता है ब्रज के अंदर, वही कृष्ण अपनी मां यशोदा को अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखा रहा है। अर्जुन को बात समझ में नहीं आती तो विराट रूप दिखाया, और गीता जी कहती है, शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, भगवान के विराट स्वरूप को अर्जुन देख नहीं पाया। हाथ जोड़ कर, जैसे थे आप वैसे हो जाओ सब। प्रेम की अपनी एक मस्ती है, प्रेम का भाव, प्रेम की तरंग। प्रेम महाभारत के एक प्रसंग के अंदर श्री कृष्ण युद्ध में एकाएक ध्यानस्थ हो गए, ध्यान डूब गए, और जिस समय श्री कृष्ण ध्यान में चले गए अर्जुन स्तब्ध रह गए। अर्जुन को लगा कि श्री कृष्ण को ऐसा क्या हो गया कि एकाएक ध्यान में चले गए। थोड़ी देर के बाद जब श्री कृष्ण के नेत्र खुले तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप कहां खो गए थे, आप किसके ध्यान में डूब गए, क्या हुआ आपको। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं तुम्हारे दादा भीष्म के ध्यान में डूब गया। भीष्म के ध्यान में भगवान युद्ध के मध्य के अंदर डूब गए। मैंने कल भी आपको कहा कि भीष्म की जो अभिन्नता श्री कृष्ण के साथ है, भीष्म का प्रेम सीधा संपर्क साधे हुआ है भगवान के साथ। भगवान अपने भक्तों का चिंतन करते हैं, भक्तों को चिंता करने की जरूरत है। मेरो चिंता होए नहीं,
हरि को चिंता हो। हरि की चिंता हरि करे, मैं रहूं हरी की हरी, चिंता हरी, हरी करे मैं रहूं निश्चिंत। भगवान की प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, इसलिए भक्त भगवान पर भरोसा। अर्जुन को भगवान पर पूर्ण भरोसा है, और जब तक श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे कोई युद्ध अर्जुन हारे नहीं है, हर पल जीत गए। लेकिन जो अंतर ध्यान हो गए श्री कृष्ण, और जब वापस लौट रहे थे तो बीच रस्ते के अंदर अर्जुन को लूट लिया। वही अर्जुन जो गांडीवधारी थे, जो शक्तिशाली थे, जो बैठ करके जिन्होंने मत्स्य की आंख मछली की आंख पर जो निशाना साध दिया था, आज उन अर्जुन के बस की कुछ नहीं था, हार गए। तब अर्जुन को समझ में आया, मेरे अंदर जो शक्ति थी वो मेरी अपनी शक्ति नहीं थी, वो शक्ति श्री कृष्ण की शक्ति थी। और यही बात उन्होंने युधिष्ठर को कही कि अगर कोई सर्वशक्तिमान शक्ति है पूरे विश्व में तो केवल और केवल श्री कृष्ण। ये अर्जुन की शक्ति। बड़ा प्रेम करते हैं अर्जुन से भगवान। अर्जुन की श्वास श्वास श्री कृष्ण का नाम लेती है, गोपियों की सांस श्री कृष्ण के रंग में रंगी हुई। लेकिन मौन भाषा है, कहीं ढिंढोरा नहीं पीटते। मैंने कल भी परसों भी शायद कहा कि हम थोड़ा सा दान पुण्य करते थे, ढिंढोरा पीटते थे, अनाउंसमेंट कराते, अरे इतना ये काम किया वो काम किया सर। जिसके लिए किया है वो जानता है, जिस निमित्त किया है प्रभु जाने सर। हमारा अंतर्यामी सब जानता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जगह जगह लिखा होता है कि आप सीसी कैमरे की नजर में हैं, आप सीसी कैमरे की नजर में हैं, आप सीसी कैमरे की नजर में हैं। याद रखिएगा, ये कोई आधुनिक तकनीकी से विज्ञान की जगत से बनी हुई कैमरे की नजर में हम हैं, ये भ्रम निकाल दीजिएगा। हम सभी परमात्मा रूपी सीसी कैमरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हर पल हमारा अंतर्यामी सब जानता है। हम पापी से पापी प्रचंड बड़े, ये हम कहते तुम गाते हो क्यों, ये हम कह रहे तुम्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और कितने बड़े पापी हैं ये सब जानते। आइए एक भाव में डूब जाएं और जहां श्री राधा जी के चरणों में बैठकर देखो, जब तुझ से ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास पर तू छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो तेरा भगवान करेगा। आप तो केवल इतना कहो, हम जैसे भी हैं हम हैं तुम्हारे, हम जैसे भी हैं हम हैं तुम्हारे, चरणों से अपने लगाए रखना, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, कृपाएं अपनी बनाए रखना, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, कृपाएं अपनी बनाए रखना, हे राधा रानी श्याम प्यारे, कृपाएं अपनी ब
बनाए रखना मेरा दरानी शाम प्यारी भाई अपनी बनाए रखना हम जैसे भी हैं हम हैं तुम्हारे हम जैसे भी हैं हम हैं तुम्हारे हम जैसे भी हैं हम हैं तुम्हारे चरणों से अपने लगाए रखना हेरा धरानी हे श्यामा प्यारी कृपाए अपनी बनाए रखना हेरा धरानी हे श्यामा प्यारी कृपाए अपनी बनाए रखना ना भाई दुनिया की प्रीत झूठी सब छोड़ कर तेरे दर आ गए हैं ना भाई दुनिया की प्रीत झूठी सब छोड़ कर तेरे दर आ गए अरे ना भाई दुनिया की प्रीत झूठी सब छोड़ कर तेरे दर आ गए हैं ना भाई दुनिया की प्रीत झूठी सब छोड़ कर तेरे दर आ गए हैं अपना समझ के बरसाने वाली 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 जंजाल से तुम बचाए रखना हेरा धरानी हे श्याम प्यारी कृपाए अपनी बनाए रखना मेरा धरानी हे श्यामा प्यारी कृपाए अपनी बनाए रखना हम जैसे भी हैं हम हैं तुम्हारे 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 चरणों अपने लगाए रखना मेरा धरानी हे श्यामा प्यारी कृपाए अपनी बनाए रखना मेरा धरानी हे श्यामा प्यारी कृपाए अपनी बनाए रखना पापी है हम और है पाप अगणित तुमसे छिपा क्या सब जानती पाप अनगिनत तुमसे छिपा क्या सब जानते हो पापी है हम और है पाप अगणित तुमसे छिपा क्या सब जानते हो पापी है हम और है पाप अनगिनत तुमसे छिपा क्या सब जानते हो विसारो अब गुण हमारे राधे छिपाए रखना हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी छिपाए अपनी बनाए रखना हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी छिपाए अपनी बनाए रखना हम कहते भी हैं हम हैं तुम्हारे चरणों से अपने लगाए रखना मेरा धरानी हे श्यामा प्यारी कृपाए अपनी बनाए रखना मेरा धरानी हे श्यामा प्यारी कृपाए अपनी बनाए रखना सिवा तुम्हारे हे लाडली जो नहीं है कोई जगत में अपना तुम्हारे लाडले जो नहीं है कोई जगत में अपना
अपना सिवा तुम्हारे लाडली जो नहीं है कोई जगत में अपना सिवा तुम्हारे लाडली जो नहीं है कोई जगत में अपना जैसे निभाई है प्रीत अब तक जैसे निभाई है प्रीत अब तक निभाई है प्रीत अब तक आगे भी ऐसे निभाए रखना मेरा दरानी श्याम प्यारी निभाए अपनी बनाए रखना मेरा दरानी श्याम प्यारी निभाए अपनी बनाए रखना हम कहते भी हैं हम हैं तुम्हारे हम जैसे भी हैं हम हैं तुम्हारे हम जैसे भी हैं हम हैं तुम्हारे हम जैसे भी हैं हम हैं तुम्हारे चरणों के अपने लगाए रखना मेरा दरानी श्याम प्यारी छिपाए अपनी बनाए रखना मेरा कृपाए अपनी बनाए रखना तो दादा भीष्म युद्ध के मैदान में बाणों की सैया पर हैं, लेकिन सीधा संपर्क भगवान कृष्ण के साथ अभिन्न प्रेम है। और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को हस्तिनापुर से युद्ध के मैदान में लेकर गए हैं सर। जीवन की अंतिम घड़ियों में दादा भीष्म हैं और भगवान कृष्ण पांडवों को साथ में ले जाकर उन्हें उपदेश दिलाते हैं। और जब उपदेश देना प्रारंभ किया तो सबसे पहले यही कहा कि जिन्हें तुम अपना सारथी समझ रहे हो अर्जुन, ये कोई साधारण सारथी नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है, ये परमात्मा है, तुम सदा इनके साये में रहना। मरते हुए भी दादा भीष्म बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं भगवान की शरणागति में रहना। जो भगवान की शरणागति में रहते हैं, जो भगवान के प्रेमी बने रहते हैं, भगवान हर पल उनके साथ साथ हैं, अंग संग हैं, वो भगवान से दूर नहीं है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, वो मेरे पास हैं, मैं उनसे दूर नहीं हूं। शरीर से भले ही श्री कृष्ण गोपियों से दूर हैं, लेकिन गोपियों में उन्हें लगा ही नहीं श्री कृष्ण हमसे कभी दूर हैं। ऐसा जो कृष्ण के मन वाली हैं, जो श्री कृष्ण के प्राण वाली हैं, सीधा संपर्क गोपियों के साथ। तो बार बार व्यासपीठ जो है गोपी प्रेम के इस अर्थ को, जिसमें मिलन की बहुत तीव्र इच्छा है, ऐसा मिलन की बहुत उत्कंठा है, जिस जीव के अंदर भगवान के प्रति मिलन की उत्कंठा हो वही गोपी है, वही प्रेम है। फिर बात पर आए, शुद्ध प्रेम का विकास होता है ऐसा, वो प्रेम घटता नहीं है। और श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से वो प्रेम बढ़ाया है, उस प्रेम का विकास किया है सब। जो प्रेम जीव और ब्रह्म को एक कर देता है, जो एक बना देता है, वो प्रेम
जो गोपियों को दीवाना बना देता है, वो प्रेम जो कृष्ण को नचा देता है। प्रेम रस है, रस श्री कृष्ण है, रसो वैसा। इसलिए भगवान की कथा, क्योंकि श्री कृष्ण रस हैं, तो कथा भी रसमयी ही है, रस स्वरूप है। ये रस, ये अमृत, कथा का अमृत। तभी गोपियां गा रही हैं, तब कथा तप तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषाप श्रवण मंगलम श्रीवदाकतम भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजना। लेकिन ये कथा अमृत कब लगेगी सर? गोपियों ने तो कहा कि कथा अमृत है, लेकिन ये कथा अमृत कब लगेगी? जब हमारा मन और बुद्धि कथा में लगेगी। जब ये मन और बुद्धि कथा में लगेगी तो कथा फिर अमृत लगेगी सर, फिर वो अमृत तुल्य लगेगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब इंद्रियों का आकर्षण भोगों की ओर होगा तो मन की चंचलता बढ़ेगी। जब मन की चंचलता बढ़ेगी तो मन कथा में कैसे टिकेगा? मन लगेगा ही नहीं। घर से निकल भी पड़े आप, लेकिन मन ने कहा नहीं, थोड़ा इधर चलते हैं, तो उधर चल पड़े, मन की चंचलता। लेकिन ये मन की चंचलता स्थिर कहां होगी साहब? भगवान की कथा में। कथा में मन लग जाए और मन में कथा बैठ जाए तो फिर बात बन जाएगी। कथा में मन लग जाए और मन में कथा बैठ जाए फिर बात बनने वाली। तो हम बात कर रहे हैं प्रेम की विशेषता, जो प्रेम का विकास करती है सर, जो उसे बढ़ाती है, जो घटती नहीं है कभी। ऐसा शुद्ध प्रेम जो कभी घटता नहीं, गोपी प्रेम कभी घटता नहीं, वो प्रेम बढ़ता है सर। तो कहते धनवान वो नहीं जिसकी तिजोरी में धन से भरी है, धनवान वो नहीं जिसकी तिजोरी धन से भरी है, सच्चा धनवान वही है कि जिसकी झोली प्रेम से भरी है। जिसकी झोली प्रेम से भरी हुई है, सच्चा धनवान वो है। तो गुण रहित प्रेम, कामना रहित प्रेम और सदा प्रीत बढ़ाने वाला जो प्रेम है, ये शुद्ध प्रेम है। मन को नियंत्रण में करके श्री कृष्ण की ओर लगाइएगा, कहीं भी जाए पकड़। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम नमो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम,
शरणम मम श्री कृष्ण शरणम मम श्री कृष्णम शरणम मम श्री कृष्णम शरणम मम श्री कृष्णम शरणम मम। अपने मन के अंदर भगवान के चरणों को स्थान दीजिएगा, अपने मन के अंदर भगवान के चरणों को स्थापित कीजिएगा, अपने मन में भगवान की कथा को स्थापित कीजिएगा, अपने जीवन का आधार गोविंद के चरणों को बनाइएगा और फिर प्रेम से गाइएगा क्या मेरे तो आधार मेरे माधव के चरणार। मेरे तो आधार भगवान के चरणों का ध्यान कीजिएगा, वो चरण जो गौओं के पीछे चले हैं, वो चरण जो गोपियों से मिलने के लिए चले हैं, वो चरण जो वेणु वादन के लिए चले हैं, वो चरण जो कालिया नाग पे पड़े हैं, वो चरण जो गोपियों के वक्ष तल पर हैं, उन चरणों का ध्यान कीजिएगा, जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि कर रहे हैं, जिन चरणों का ध्यान गोपियां कर रही हैं, जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े तपस्वी ऋषि भक्त कर रहे हैं और गा रहे हैं, मेरे तो आधार मेरे माधव के चरणा। मेरे तो आधार मेरे माधव के चरणा। वो चरण कभी कभी इतने व्यापक हो जाते हैं कि वामन रूप जब धारण किया तो अपने चरणों से पूरी पृथ्वी को भगवान ने नाप लिया। कैसे हैं भगवान के चरण? वो चरण जो गोपियों से मिलने के लिए चले हैं, वो चरण जो ग्वाल बालों के संग संग चले हैं, वो चरण जिनका ध्यान दादा भीष्म करते हैं, वो चरण जिनका ध्यान अर्जुन करते हैं, ऐसे भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए। मेरे तो आधार मेरे मोहन के चरणा। मेरे तो आधार मेरे मोहन के चरणारविंद। मोहन के चरणार भगवान का जब प्रागट्य हुआ, वसुदेव जी टोकरे में लेकर जा रहे हैं तो यमुना जी के मन में है मैं एक बार इनके चरणों का स्पर्श कर लूं। श्री यमुना जी भगवान के चरणों का ध्यान कर रही हैं और उसके मन की इच्छा है कि मैं भगवान के चरणों को एक बार स्पर्श कर लूं। तो यमुना जी जिनके चरणों का ध्यान कर रही है अपने मन को भी उन चरणों से जोड़ दीजिएगा। मेरे तो आधार मेरे मोहन के चरणार। मेरे तो आधार मेरे मोहन के चरणार विंद। 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 माधव के चरणार विंद। मोहन के चरणार विंद। सब गाइए भुजा उठा कर अरविंद। मेरे तो आधार मेरे मोहन के चरणार। मेरे तो आधार मेरे मोहन के चरणार विंद। मां मोहन के चरणार। श्याम सुंदर के चरणार। श्याम सुंदर के चरणार। श्याम सुंदर।
सुंदर के चरणार मेरे माधव के चरणार मेरे माधव के चरणार राधा माधव के चरणार राधा माधव के चरणार राधा रमण के चरणार राधा रमण के चरणार श्याम सुंदर के चरणार श्याम सुंदर के चरणार राधा वल्लभ के चरणार राधा वल्लभ के चरणार राधा वल्लभ के चरणार राधा वल्लभ के चरणार श्याम सुंदर के चरणार श्याम सुंदर के चरणार मेरे बांके के चरणार मेरे बांके के चरणार मेरे श्याम के चरणार मेरे श्याम के चरणार मेरे गोविंद के चरणार मेरे गोविंद के चरणार मेरे मोहन के चरणार मेरे मोहन के चरणार श्याम सुंदर के चरणार श्याम सुंदर के चरणार मेरे मोहन के चरणार मेरे मोहन के चरणार मेरे माधव के चरणार मेरे माधव के चरणार राधा माधव के चरणार इन चरणों में बड़ी बड़ी हस्तियां झुकती हैं सर। जिन चरणों में गोपियों का प्रेम है इसलिए सच्चा धनवान वही है जिसकी झोली में प्रेम भरा हुआ है। धनवान वो नहीं जिसकी तिजोरी में धन है, धनवान वही है कि जिसकी झोली प्रेम से भरी हुई है, वो धनवान है। अपने मन को वहां लगाइए, ध्यान करते हुए कहीं भी मन जाए, मन चंचल है, मन का स्वभाव बड़ा चंचल है सर। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। लेकिन फिर भी शास्त्र ग्रंथ कहते हैं धीरे 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 मन को भगवान के चरणों के साथ जोड़िए, अपने चरणों से भी कह दो कि चल चरण जरा भागवत की कथा में चलेंगे, कोई दूसरा काम कल करेंगे, आज आज तू मुझे कथा में ले चल। मन को कथा की ओर मोड़िएगा, बुद्धि को कथा की ओर लगाइएगा, फिर आनंद देखिएगा, फिर उसकी कथा अमृत स्वरूप लगेगी, फिर आपका अंतःकरण जो रसमय है, जो रस से भरे हुए हैं, जिनकी कथा जिनकी लीला जो माधुर्य है, रस से भरी हुई कथा श्रीमद् भागवत की कथा अमृत तुल्य लगेगी। जो कल्प वृक्ष का एक मीठा फल है, पिबत भागवतम रसमाल्यम, ऐसे रस को पियो तो फिर लगेगा कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो मन को नियंत्रण करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाइए, धीरे धीरे बात बन जाएगी। और कथा सुनने से बहुत लाभ है, कोई टाइम पास का साधन नहीं है, कथा सुनने से बहुत लाभ है, एक नहीं कई लाभ है। पहली बात तो अभी पितृ पक्ष चल रहे हैं तो पितरों का कल्याण करती है कथा, यहीं से शुरुआत करते हैं, पितरों का कल्याण करती है कथा। अपने लिए न सुनो सही, पर पितरों के लिए सुनो सर, पितरों का कल्याण। दूसरी बात, स्वयं के जीवन में बड़ी निर्भकता आती है, व्यक्ति बहुत निर्भीक हो जाता है, निडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है कथा सुनने से। और जो सबसे बड़ा भय है मृत्यु का, जो परीक्षित का प्रश्न सुखदेव जी महाराज से है कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जीवन पर्यंत व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
तो व्यक्ति के जीवन से मृत्यु का जो भय है, ये श्रीमद् भागवत की कथा उस भय को निकाल के रख देती है। और जब भय निकल जाता है तो फिर जीवन बदल जाता है। तो ये जीवन को बदलने वाली कथा है। और भगवान की कथा जो है, जब कथा सुनते सुनते हमारे अंदर जो विकार भरे हुए हैं वो विकार दूर निकल के, मतलब यानी विकारों से जो है निवृत्ति हो जाती है, विकारों की निवृत्ति हो जाती है, दोष मुक्त, पाप मुक्त, पाप रहित कथा व्यक्ति को शुद्ध बना देती है, कथा व्यक्ति को बुद्ध बना देती है। तो श्रीमद् भागवत की कथा जीवन बदलने वाली है। और यही कथा ईश्वर के साथ प्रेम करने वाली बन जाती है, यही कथा ईश्वर से प्रेम कराएगी। भागवत भगवान से प्रेम करना सिखाती है। और हमारा तो आधार ही गोपी प्रेम का है। तो भागवत की कथा सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो जाता है। मैंने पहले दिन भी बताया, रुक्मणी को भगवान से कथा सुनते सुनते प्रेम हो गया, केवल मात्र कथा सुनने से। मीराबाई को कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। तो कथा सुनते सुनते भगवान से प्रेम हो जाता है, यानी श्रीमद् भागवत की कथा हमारे भीतर प्रेम जागृत करती है। जीव को गोपी प्रेम में डुबकी लगवाने वाली ये कथा है। श्रवण मंगलम, अच्छा लगेगा, सुनना अच्छा लगेगा। और भगवान कान के माध्यम से आपके हृदय में आकर बैठे हैं। कथा जब आप कानों से सुनते हैं तो कानों के माध्यम से भगवान देखते हैं कि जिसका शुद्ध मन है भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं, कानों के माध्यम से। इसलिए भागवत की कथा श्रवण मंगलम है। केवल सुनते 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 गोपी प्रेम में डुबकी लगने देती है, वो डुबकी लगवा देती है। और यही श्रीमद् भागवत की कथा भगवान से मिलाने वाली कथा है। आप शरीर से तो कथा में बैठे हैं, लेकिन जब कथा लीला के अंदर, उस लीला सिंधु में अगर आप डूब गए, भगवान के उस नामामृत में आप डूब गए, तो आपका शरीर यही है, लेकिन आप भगवान के साथ रमण कर रहे हैं। आप और भगवान एकाकार हो गए, यानी कथा ने आपको और ब्रह्म को, जीव और ब्रह्म को एकाकार कर दिया, साहब मिलवा दिया है। आपको यहीं बैठे बैठे वृंदावन की अनुभूति हो रही है, यहीं बैठे बैठे आपको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। जहां आपका मन लगे आपको द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा है, आपको राधा रमण का दर्शन हो रहा है, आपको बांके बिहारी का दर्शन हो रहा है, आपको राधा वल्लभ का दर्शन हो रहा है। आपका शरीर यही है, लेकिन आपके मन की, मन के प्रेम ने ऐसी छवि बना दी कि आपको कहीं नहीं जाना पड़ा, भगवान आपके प्रेम पास में बंधकर स्वयं आपके पास आ गए। पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को भी पता नहीं चल रहा कि आप किस रस में डूब गए हैं, आपने क्या अनुभव कर लिया, आपने आज क्या प्राप्त कर लिया। बगल में बैठे वाले को भी पता नहीं लगता। इसलिए भागवत में गोपी प्रेम की भाषा मौन भाषा है, मौन भाषा है। तो जो अनुभव करा रही है, और जिस तीसरे सूत्र को, प्रेम के तीसरे सूत्र को लेकर बैठे, कथा प्रेम का विकास करती है, प्रेम को बढ़ाती है, कम नहीं होती। और अब ये प्रेम के स्वरूप, जो कथा हमने कल जहां कथा का विश्राम किया था कि आज भगवान का प्रागट्य, आज आनंद कंद का प्रागट्य हो गया है, नंद के आनंद भय हो गया है आज, तो अपने मन को वहीं जहां कल हमने छोड़ा था
वही उसी उत्सव में, उसी आनंद में जहां सब निमग्न हैं, आनंद ही आनंद है। गोपियां दौड़ दौड़ कर आकर कहती हैं, अरे मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, बधाई मैया दे दे बधाई। रे केरे केरे रे रे रे, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बिंदिया भी दे दे और नथनी भी दे दे, दे दे और नथनी भी दे दे, बिंदिया भी दे दे और नथनी भी दे दे, बिंदिया भी दे दे और नथनी भी दे दे। नथनी भी दे ओ, नथनी भी दे आहा, नथनी भी दे ओ मैया, नथनी भी दे मैया। चूड़ी की दे दे घड़ाई, यशोदा मैया दे दे की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। ओ तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे। लल्ला के सोने के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अंगिया भी दे दे और चुनरी भी दे दे, अंगिया भी दे दे और चुनरी भी दे दे, अंगिया भी दे दे और चुनरी भी दे दे, अंगिया भी दे दे और चुनरी भी दे दे। हाँ चुनरी भी दे ओ मैया, चुनरी भी दे। हाँ चुनरी भी दे ओ चुनरी भी दे। लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई। रे तेरे 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 तेरे, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। इक्कीस ना लूंगी, इक्यावन ना लूंगी, इक्कीस ना लूंगी, इक्यावन ना लूंगी। हाँ इक्कीस ना लूंगी, इक्यावन ना लूंगी, हो गई बहुत महंगाई, यशोदा मैया दे। हो गई बहुत महंगाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जुग जीवे तेरो ललना बिहारी, जुग जुग जीवे तेरो ललना बिहारी। हाँ जुग जुग जीवे तेरो ललना बिहारी, जुग जुग जीवे तेरो ललना बिहारी। तेरो ललना बिहारी, तेरो ललना बिहारी, तेरो ललना बिहारी, तेरो ललना बिहारी। मैया मेरी भी हो मन चाहिए,
यशोदा मैया दे दे बधाई मेरी बिरो मन चाही यशोदा मैया दे दे बधाई मैया दे बधाई दे मैया दे बधाई दे मैया दे बधाई दे ओ बाबा दे बधाई दे ओ मैया दे बधाई ओ बाबा दे बधाई दे ओ मैया दे बधाई ओ बाबा दे बधाई दे मैया दे बधाई दे ओ बाबा दे बधाई दे मैया दे बधाई दे ओ बाबा दे बधाई दे मैया दे बधाई दे ओ बाबा दे बधाई दे मैया दे बधाई दे ओ बाबा दे बधाई दे हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की हरे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की हरे मोहल्ला में हल्ला मचो जय कन्हैया लाल की हरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हरे मोहल्ला में हल्ला मचो जय कन्हैया लाल की मोहल्ला में हल्ला मचो जय कन्हैया लाल की हरे नंद के आनंद भयो आनंद में जैसे होता ना कहीं अच्छा काम होता है तो कई चोर भी घुस जाते हैं बीच के अंदर जेब काटने के लिए घुस जाते हैं ये अपने बधाई वाला सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ यहाँ तो प्रेम की बधाई है साहब आप प्रेम से आप भाव से उस आनंद रस में डूब जाइएगा साहब मेरा कहना सफल हो जाएगा आपका सुनना सफल हो जाएगा मेरा कहना सफल हो जाएगा जिस भाव से ये गोपी प्रेम का विषय इस श्रीमद् भागवत में रहा ये कथा का माध्यम ऐसे दिव्य रस में ऐसे दिव्य प्रेम में जो कृष्ण प्रेम है प्रेम कृष्ण है साहब जो हमारी भागवत ऐसा दर्शन करा दे इससे बड़ा और बधाई क्या हो सकती है साहब जो हमें हमारे कृष्ण का दर्शन करा दे साहब जो हमारे हमारे मैया आप बैठ जाओ मेरी प्रार्थना मैया को बैठा दो मैया कोई आप बैठ जाओ कोई ऐसा आप आनंद लो कथा का आनंद लीजिएगा साहब मैंने पहले ही कहा कि कथा का मेरा सिस्टम ही नहीं है साहब ये बधाई का साहब वही बधाई है जो हमारे हृदय के अंदर श्री कृष्ण के लिए प्रेम जागृत कर दे इससे बड़ी और बधाई क्या हो सकती है आज गोपी बधाई दे रही है क्यों क्योंकि आनंद कंद प्रकट हुए हैं साहब भगवान आनंद कंद प्रकट हुए हैं जो आनंद से भरे हुए हैं जो रस के राजा हैं उसका प्रागट्य हुआ है तो आनंद ही आनंद है वो आनंद उत्सव चल रहा है लेकिन ऐसे उत्सव में भी कई बार जब ऐसा आयोजन हो तो फिर हर तरह के लोग आते हैं तो जेब काटने वाले भी आते हैं सर चैन काटने वाले भी आते हैं लूटने वाले भी आते हैं तो यहां ऐसे लोग भी और लोग नहीं परम सुंदरी बन के पूतना ऐसे आनंद में प्रवेश कर रही है सर और जिसकी मन की इच्छा ठीक नहीं है श्री कृष्ण को विष पिलाने के लिए आई है मन के अंदर के भाव ठीक नहीं है लेकिन भगवान को हमने प्रारंभ आज की कथा के प्रारंभ में भी कहा कि भगवान ने पूतना के विष को अमृत में बदल दिया साहब कैसा भी जल अगर इधर उधर से चाहे केमिकल का जल हो या कोई जो गटर का जल है कहीं भी जाकर अगर वो गंगा जल में मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है गंगा जल बन जाता है आज ये पूतना भी भगवान श्री कृष्ण अब अंदर विष लिए बैठी हुई है लेकिन भगवान ने उसके विष को चूस लिया है सर मेरे पास आई और उद्धार न हो सर कल्याण कर दिया सर तो ऐसी पूतना जो पाप घातनी है ऐसी पूतना जो बच्चों को मारने वाली है सर बाल घातनी है सर पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षस बच्चों को मारना उसका काम
शक्तिशाली है और रूप बदलने में माहिर है साहब। ऐसी पूतना जमीन पर भी चलना जानती है, आकाश में भी उड़ना जानती है, दोनों क्रियाएं जानती है, जल में भी है, जमीन पर भी, लेकिन आकाश में भी उड़ना जाती है। श्री कृष्ण को लेकर के आकाश में उड़ गई साहब, ऐसी है ये पूतना। सुंदरी बनकर के गोकुल में प्रवेश किया है, अद्भुत श्रृंगार है साहब। और कई बार हम श्रृंगार में ही फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं साहब, ध्यान ही नहीं रहता कि ये नकली श्रृंगार है। श्री कृष्ण की तरफ से नेत्र हट करके अब ऐसी जो परम सुंदरी बनकर के ये पूतना आई है, सबकी आंखें उसे देख रही हैं। बल खाते हुए चल रही है, हाथ में कमल का फूल है, मानो साक्षात लक्ष्मी रूप धारण करके ये पूतना आ रही है, चमक धमक आकर्षित कर रही है सब। अक्सर हम चमक धमक में उलझ जाते हैं, सब गोपियां एक टक देख रही, अरे कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया, कोई अलग से श्रृंगार करके आ जाए, गहने वहने पहन के आ जाए, तो सबकी आंखें इधर, ये कौन आया ये कौन आया कौन आया, किसी के साथ दो चार और साथ में खड़े हो तो फिर तो अरे कौन आया कौन आया। आज सब एक टक पूतना को देख रहे हैं, परम सुंदरी बनकर के आई है, लक्ष्मी जैसी लग रही है सब। और जैसे ही श्री कृष्ण के पालने के पास ये पूतना गई है, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, सब आंखें फाड़कर पूतना को देख रहे हैं ये कौन आई है, लेकिन भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखों को बंद कर लिया। और आंखों को बंद करने के बारे में बड़ी बड़ी संत मुनियों ने अपनी अपनी बड़ी टिप्पणियां की हैं साहब। एक पूतना बाल घातनी है, पवित्र शुद्ध, जो मन वाले बच्चे, क्योंकि जो बच्चा बड़ा अबोध होता है, शुद्ध मन वाला बहुत है, और ऐसे बच्चों को मारने वाली जो ये पूतना है, भगवान कहते हैं मैं उसका मुख देखना भी पसंद नहीं करता जो शुद्ध बच्चों को मारने वाली, निर्दोष बच्चों को मारने वाली। पूतना का उद्धार करना है, इसलिए एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए करे क्योंकि पूतना का उद्धार करना है, उसका लेखा जोखा देख रहे हैं, इसने क्या किया है क्या नहीं किया, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। एक संत ने कहा कि पहली बार ये पाप घातनी जो है वो श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए जा रही है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। एक संत का मत है कि विष का पान करना था तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए सर। क्यों? क्योंकि विष का पान करना है ना, और विष का पान करना है तो भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद करके भगवान महादेव का ध्यान किया है। केवल शंकर ही हैं जो विष का पान कर सकते हैं, इसलिए आज जो ये संकट आ रहा है तो श्री कृष्ण ने भगवान शंकर का स्मरण किया कि मुझे शक्ति प्रदान करो, मैं विष पीने जा रहा हूं, इसलिए नेत्र बंद कर दिया। एक संत का मत है कि भगवान कृष्ण के जो नेत्र हैं साहब, एक चंद्र मार्ग है एक सूर्य मार्ग है, एक नेत्र चंद्र मार्ग एक नेत्र सूर्य मार्ग है। भगवान ने इसलिए आंखों को बंद कर लिया कि ऐसी पाप घातनी बाल घातनी पूतना के लिए कोई मार्ग नहीं है, न तो चंद्र मार्ग न सूर्य मार्ग, इसलिए अपने नेत्रों को भगवान बंद कर लेते हैं, उसके लिए कोई मार्ग नहीं है। जो पाप कर रही है भगवान अद्भुत लीला करने जा रहे हैं आज। इस पूतना ने आज बाहर से माया का रूप धारण किया है, मगर मन के अंदर जो क्रूरता झलक रही है, इस क्रूरता को केवल श्री कृष्ण अंतर ध्यान करके देख रहे हैं।
इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि ऐसी कपटता से भरी हुई, क्रूरता से भरी हुई स्त्री को देखना ही नहीं चाहिए। कई कई संत महात्मा कहते कि तो जैसे आपके घर में छोटे से बच्चे होते हैं, अब कोई 8-9 महीने का हो या साल भर का हो, तो कोई आपके घर में आए तो आपके बच्चे को गोदी लेना चाहे तो तुरंत वो आंख मीच के मुंह मोड़ लेता है। जिसे हम जानते नहीं, जिसे पहचानते नहीं, ऐसे अनजान व्यक्ति से कौन मिले साहब। होता है ना, घर के अंदर कोई भी हो, छोटा सा बच्चा है, जब कोई एकदम से कोई आ जाए और वो कहे आ जा जरा मेरे पास आना, तो एकदम से बच्चा मुंह मोड़ लेता है, नहीं जाना। आप बच्चे का स्वभाव देखिएगा सर, उसकी उसकी मम्मी ने नहीं कहा कि बेटा मुंह मोड़ लो, उसके पापा ने ये नहीं कहा कि मुंह मोड़ लो, लेकिन बच्चा स्वतः ही आपको देखकर मुंह मोड़ लेता, क्योंकि वो आप उसके लिए अनजान हो सर। और भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, ऐसी कपटता से, क्रूरता से भरी हुई पूतना को भगवान देखना पसंद नहीं करते। जो ये रूप धारण करके आई है भगवान, देखना पसंद नहीं करते। पूतना ने जैसे ही विष पान के लिए श्री कृष्ण को उठाया है और उठा करके आकाश मार्ग पे चली गई है, आकाश के अंदर लेकर उड़ी है। और अब यहां भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि अब तो केवल आकाश में, नीचे तो माँ ना माँ है ना गोपियां है कोई नहीं, लेकिन अब तो आकाश में केवल पूतना और भगवान ही है। भगवान मुस्कुराकर पूतना का काम कर देते हैं, ऐसा चूसना प्रारंभ करते हैं, ऐसा चूसना प्रारंभ करते हैं, पूतना को अमृत से भर देते हैं, और उसी तत्क्षण भगवान उस पूतना के प्राणों का हरण कर लेते हैं और धड़ाम से विशाल काय पूतना जमीन पर गिरती है। माँ दौड़ती दौड़ती आती है, हाय मेरे बेटे को क्या हुआ, हाय मेरे बेटे को, ये कौन राक्षसी थी जो लेकर उड़ी थी, कौन थी? और जब आकर कर देखती है, माँ हैरान हो जाती है, पूतना के वक्ष तलों के ऊपर मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को निहार रहे हैं। मुस्कुराकर काम करना ये कृष्ण को ही आ सकता है, उसी के पास ऐसी अदा है, मारने के बाद भी मुस्कुरा रहा है सब, इसे कृष्ण। फिर मां ने समस्त वात्सल्य भाव में जो रक्षा उपचार होते हैं, मां ने बाल कृष्ण को नहलाया है, ऐसा स्नान किया कराया है, गोमूत्र से भगवान का स्नान कराया गया, गौरज लगाई गई, 12 अंगों में कहते हैं गोबर को लगाया गया, भगवान श्री कृष्ण की मानो कोई नजर उतारी गई। तो एक बात तो पूतना के चरित्र से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि भगवान को छल कपट पसंद नहीं है। रामचरितमानस में तो आया ही है, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। जिनका मन निर्मल होता है भगवान को बड़े प्रिय होते हैं, और ऐसे निर्मल मन वालों के यहां बिना निमंत्रण के भी भगवान पहुंच जाते हैं। सब विदुर के घर पहुंच गए, विदुर हैरान हो गए थे, काका के घर में गए हैं और काका को ही पता नहीं लगने दिया साहब, लेकिन काकी का ध्यान श्री कृष्ण के साथ उनकी अभिन्नता और सीधा संपर्क है, इसलिए पहुंच गए विदुरानी के पास। और देखिएगा प्रेम के अंदर, देखिएगा हम सब कितने भाव से गाते हैं, साग विदुर घर का यो छिलके खिला रही है, मस्त होकर खा रहे हैं। भूल गए
ठकुराई। क्यों? क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम विवश अर्जुन रत आ क्यों भूल गए सबसे जा करके विदुर के घर में छिलके कर रहे। ऐसे हैं भगवान। क्या लीला करते हैं ये भगवान ही समझ सकते हैं। भक्त और भगवान की लीला भक्त की समझ से तो परे है। भक्त तो केवल विश्वास में ही भगवान को जमाए बैठा है, बस मेरा और कोई नहीं है, केवल एक सहारा वही है मेरा। तो कथाक्रम में आगे बढ़े, पूतना का उद्धार कर दिया साहब। अब भगवान का एक उत्सव चल रहा है, करवट बदलने का उत्सव है, सब मग्न है साहब। लाला को नींद आती है, लाला को माँ शकड़े के नीचे सुला देती है साहब। आप शकड़ भंजन करना है, सब उत्सव में आनंद ले रहे हैं। लेकिन जिसका उत्सव है, जिसका आनंद है, वो तो बेचारा अब शकड़े के नीचे सोया हुआ है। श्री कृष्ण की आंख खुली देखा ही तो सब के सब उत्सव में मगन है, हमारी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। अब अपनी ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो छकड़े पर पकार किया चरण से सा, वो आकाश में उड़कर सा पलट गया मालताल। अब सबका ध्यान मैया दौड़ती 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 आती है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? भगवान एक बात संकेत करते हैं सर कि जो सुख के समय में, जो आनंद के समय में मुझे भूल जाए, मुझे अच्छे नहीं है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जब आनंद उत्सव चल रहा है तो यही व्यक्ति के जीवन के अंदर है। ये कोई नंदोत्सव का आनंद उत्सव साहब हम अपने जीवन से जोड़कर देखें। जब हम इतने मस्त हो जाते हैं अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर, हम भगवान को भूल जाते हैं। और केवल जब कोई विपत्ति आती है, कोई दुख आता है, उस घड़ी भगवान की याद आ जाती है। चलो एक बार बिहारी जी मत्था टेक आए, एक बार गंगा स्नान कराए, एक बार गया में पिंड दान कराए, एक बार बालाजी महाराज कराए वो कराए, एक बार वैष्णो देवी हो जाए, एक बार बालाजी महाराज के पास जावे, एक बार खाटू श्याम जी के पास जावे। क्यों? क्योंकि अब आपको भय लग रहा है, अब आपके जीवन में कोई डर है, अब आप दुखी हो गए हैं। इसलिए दुख के अंदर, इसलिए पहले दिन की कथा के अंदर आपको कहा कि जो द्रौपदी ने उत्तरा को जो संदेश दिया है, उस संदेश को अपने जीवन में गांठ बांध करके संभाल करके सदैव याद रखिएगा कि जीवन की हर परिस्थिति के अंदर, कैसी सी विपत्ति से विपत्ति परिस्थितियां हों, केवल और केवल श्री कृष्ण ही हैं जो आपके जीवन के सहायक बन सकते हैं सर। कोई दूसरा सहायता करने के लिए नहीं आएगा, आपका भगवान ही आपका सहायक बनेगा सर। इसलिए उसे भूलिए मत। सुखी जीवन हो, उस सुख में श्री कृष्ण को, क्योंकि ये सुख उनकी कृपा से है। और गीता का ज्ञान तो कहता है कि न तो सुख में ज्यादा अति फलीभूत हो, न दुख में ज्यादा दुखी हो साहब। सुख दुखे समे कृत्वा, सुख दुख में समान हो। लेकिन हम बड़े तकलीफ में हैं, हाय हाय करने लगते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि भैया जरा मेरी तरफ ध्यान रखो, मैं भी हूं, मैं हूं ना, चिंता किस बात को करते हो।
मेरी शरणागति, मामेकम शरणम व्रज, मामेकम शरणम व्रज, अपनी मन बुद्धि मुझे प्रदान कर दे, तू मेरा मन वाला हो जा, मेरे प्राण वाला हो जा सब, जैसी मेरी गोपियों ने किया ऐसा तू भी करना, प्रार्थना कर दे। ये गोपी प्रेम की कथा केवल यहां से सुनकर के यहां से नहीं निकालना, हमें भी प्रयास करना है कि हम भी गोपी बन जाएं सब, भगवान हमें भी पसंद कर ले, हमें भी पसंद कर ले। हम भी उनको पसंद आ जाए। मैं भावना भाऊ तुझको, तू तो मुझको भाई, तू तो मुझको भाई। प्रार्थना कीजिएगा, प्रार्थना में बड़ा बल है सर, अपना सर्वस्व मान करके, मेरे तुम ही हो, मेरा कोई और नहीं है। तमेव माता च पिता, तमेव तमेव बंधुश्च सखा, तमेव तमेव विद्या द्रवणम, तमेव तमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सर्वस्व हो सर। तो भगवान ने इस सकट भंजन से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है सर। और फिर उसके बाद एक और मुसीबत आती है, आंधी के रूप में तृणावर्त आ जाता है। तृणावर्त आंधी का रूप, कुछ दिखे नहीं, ऐसा बवंडर बनकर के ब्रज के अंदर आया, भगवान श्री कृष्ण को लेके आया, और भगवान ने उस तृणावर्त को क्षण भर में ही धराशाही कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। भगवान अपनी बाल लीलाओं से अब सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करते जाते हैं। कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, कोई छोटे से छोटी सी अवस्था है भगवान की, कोई ज्यादा बड़ी अवस्था नहीं है, अभी तो गोदी के बालक से ही है, छोटे से कन्हैया, लेकिन अब बड़े बड़े काम कर रहे हैं। पहले पूतना, ये सकट भंजन, अब तृणावर्त को भगवान ने ऐसा उठाकर पटक दिया कि सब देखते रह गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर भगवान जो है आगे, जब तृणावर्त के उसका उद्धार करने के बाद, अब गर्गाचार्य के माध्यम से भगवान का नामकरण हुआ है गोपनीय तरीके से गौशाला के अंदर। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम रखा गया और यशोदा के इस पुत्र का नाम रखा गया जो देवकी के पुत्र हैं कृष्ण। गर्गाचार्य ने इनका नामकरण कर दिया, एक बलराम और एक कृष्ण। भगवान ब्रह्म है, साक्षात परब्रह्म होते हुए भी कृष्ण अपने प्रागट्य को गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए गुप्त रूप से गर्गाचारी महाराज ने उनका नामकरण संस्कार किया। भागवत की कथा कहती है हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है सब। तो उसी विधिवित परंपरा के अंतर्गत भगवान का नामकरण हुआ है, क्योंकि गर्गाचार्य महाराज यदुवंश के गुरु हैं। उनके द्वारा ही भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, छोटे से कन्हैया अब घुटनों के बल चल चल के थोड़े से बड़े हो रहे हैं, और अब मां यशोदा को अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं। मैया समझती है कि मेरे लाला ने माटी खाई,
छोटे से कन्हैया ने माटी को। बड़ा मनमोहक दर्शन है, विजुलाइज कीजिए, छोटे से कन्हैया मुस्कुराते हुए हैं और माटी खा रहे हैं, ब्रज रज खा रहे हैं सब। और माँ पूछती है कि क्यों रे लाला, तैने माटी खाई? मैंने माटी नहीं खाई, मना कर दिया सब। माँ कहती है तेरे मुंह पे तो माटी लगी है, तू कहता है माँ मैंने माटी नहीं खाई। हाँ हाँ मैया मैंने माटी नहीं खाई, सच बोल रहा है? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं तैने माटी खाई लाला, जरा मुंह खोल के दिखा। अब माँ कहते हैं, माँ को कहते हैं कि हाँ हाँ जरा मुंह खोल के दिखा, मुझे मुंह देखने दे तेरा, मैया देख ले। और आज भगवान अपने मुंह के अंदर इस लीला के माध्यम से, क्योंकि भगवान यशोदा बड़ी हृदय की शुद्ध है, बहुत शुद्ध है। जब भगवान का प्रागट्य जेल के अंदर हुआ तो बड़े चतुर्भुज रूप के अंदर भगवान का प्रागट्य हुआ, देवकी और वसुदेव ने दर्शन किया है, लेकिन वही चतुर्भुज नारायण फिर छोटे से बाल रूप के अंदर आ जाते हैं तो देवकी के उस दर्शन को विस्मृत करा देते हैं, विस्मृत करा देते हैं। आज वही लीला करने जा रहे हैं, छोटे से कन्हैया आज माँ यशोदा को उनके जीवन का फल प्रदान कर रहे हैं और अपने मुंह के अंदर भगवान ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं। दर्शन जो कन्हैया ने मुंह खोला, मां देखती रह गई साहब। यशोदा ब्रह्म के अंदर पड़ जाती है कि यह स्वप्न तो नहीं है कोई, क्या यह वास्तविकता है? जिसे मैं अपना पुत्र समझ रही हूं वो वहां तो, वो तो नारायण नजर आ रहे हैं मुझे, नारायण का दर्शन हो रहा है जिसे मैं अपना पुत्र कहती हूं। भगवान ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और तुरंत मां ने जो दर्शन किया उस दर्शन को विस्मृत कर दिया, भुलवा दिया। भगवान ने सोचा यदि मां को याद रहा तो ये मुझे भगवान समझने लगेगी, मेरा सारा का सारा खेल जो है समाप्त हो जाएगा। जो भुलाया तो मां को ध्यान नहीं रहा, वो तो अपने लाला को बड़े प्यार से अपने हृदय से अपने कंठ से लगा लेती है। आज यशोदा को वो प्रदान किया है। और कई कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी तार जुड़ जाती है, जब हम एक हो जाते हैं या हमारा ध्यान लग जाता है, हम ध्यान में बैठ जाते हैं, आत्मा और परमात्मा का जब एकाकार होने लगता है तो बड़ा दिव्य अनुभव होता है महाराज, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, आत्मा परमात्मा में एक हो रही है ऐसा। और वो जो अनुभूति होती है तो कुछ देर के लिए, लेकिन जो आंखें खुलती है त्यों संसार नजर आता है एक स्वप्न के समान, मानो वो अदृश्य हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रात को बड़ी अच्छी गहरी नींद में सोया और गहरी नींद के अंदर कोई स्वप्न आ जाए, स्वप्न के अंदर वो बहुत बड़ा देवता बन जाए और देवता बनकर के वो बड़े बड़े कार्य करें और तुरंत माँ उसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दे या उसको हाथ हिलाकर उठा दे तो तुरंत आंखें खुले तो सब शून्य हो गए। ऐसा ही माँ यशोदा के साथ हुआ, भूल गई, विस्मृत करा दिया भगवान ने दर्शन करा करके। माँ है ना, शुद्ध है, और यशोदा तो वैसे ही शुद्ध है साहब। नंद बाबा के बारे में कहा गया कि नंद बाबा की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, नंद बाबा का चरित्र जो है, किसी व्यक्ति के साथ नंद बाबा की कोई दुश्मनी नहीं, मित्रता ही मित्रता है, मित्रता ही। और ऐसी मित्रता देखिएगा कि जो बड़े संकुचित, जब वसुदेव जी का और नंद बाबा का मिलन हुआ है तो बड़े जिस कहूं कि वो जो मिलन था
कैसे मैं उनको ये कहूं कि कंस ने उनके पुत्रों को मार दिया सर। लेकिन वसुदेव जी इतने समझदार और परिपक्व साहब कि वो नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, बधाई हो आपके यहां पुत्र हुआ है, आपको बधाई हो। अपने बच्चे के जाने का गम नहीं है वसुदेव जी को, लेकिन नंद बाबा के यहां खुशी है, नंद बाबा की मित्रता है। तो ये यशोदा जो है बड़ा शुद्ध हृदय है, और शुद्ध हृदय में ही भगवान वास किया कर सकते हैं, शुद्ध प्रेम है, वात्सल्य की मूर्ति है ये यशोदा। कोई एक जन्म नहीं, यशोदा और नंद बाबा की बड़ी तपस्या के बाद भगवान उनके आंगन में आए हैं खेलने के लिए। धनभागी है यशोदा और धनभागी है उनका प्रेम सा। छोटे से लाला आज भगवान, अब लाला थोड़े थोड़े चंचल स्वभाव के हो गए हैं, जरा शरारती हो गए हैं, तो शरारती बच्चे को माँ कभी कभी थोड़ी चपत वपत में मार देती है, थोड़ा गुस्सा भी कर देती है। आज गुस्से में माँ ने कन्हैया को बांध दिया उखल से, क्योंकि थोड़े शरारती हो गए, थोड़े नटखट हो गए हैं, तो प्रेम वेश उनको बांध दिया सर। और पहले तो बंधने में ही नहीं आ रहे। कौन है जो ब्रह्म को बांध सकता है? लेकिन भगवान ने कह दिया मात्र केवल एक प्रेम ही ऐसा है जो ब्रह्म को बांध सकता है, केवल और केवल प्रेम, प्रेम ही है जो ब्रह्म को बांध सकता है। और कोई दुनिया की ताकत, कोई दुनिया की शक्ति ऐसी नहीं जो भगवान को बंधन में बांध सके, लेकिन प्रेम है जो भगवान को बंधन में बांध देता है। बंध गए, अब मां अपने काम के लिए चली गई, अब कुछ तो करना ही है ना सर, भगवान है, उद्धार करने की आदत है, कल्याण करने की आदत है, तो आज कल्याण कर रहे हैं। किसका कल्याण कर रहे हैं? नल कुबर और मणिग्रीव, जो कुबेर के लाडले पुत्र थे, वो नारद जी के श्रापवश वृक्ष बन गए थे, और नंद बाबा के आंगन में कथा का संकेत देखिएगा, कौन? कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव, आज उनका उद्धार भगवान कर रहे हैं, साधारण नहीं है। लेकिन गलती क्या करी, जब पद आता है तो मद आ जाता है। इनकी गिनती रुद्रदेव के गणों में हो गई, तो जब रुद्रदेव के गणों में इनकी गिनती हो गई, तो अभी कोई अधिकारी बन जाए तो फिर स्वाभाविक तौर पर थोड़ा अहम आ गया था। तो भगवान की कथा यह समझा रही है कि पद आ जाए, पद के साथ मद ना आए साहब, मद बड़ा खराब है। और वारुणी पी करके मस्त होकर के जल की क्रीड़ा कर रहे हैं अप्सराओं के साथ, नारद जी आए हैं, स्त्रियों ने तो अपने आवरण को ढक लिया, लेकिन ये मद में ऐसे पागल हो गए, नारद जी को प्रणाम नहीं किया, नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष बन जाओ। और जब श्राप दिया तो फिर भूल का एहसास हुआ, तो फिर संत है ना, क्रोध करने के बाद भी करुणा कृपा कर देते हैं कि भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान आज उखल लीला के माध्यम से इनका कल्याण कर रहे हैं, इनका कल्याण करते हैं सर। जय जयकार करी है भगवान की, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, भगवान की जय जयकार हो रही है।
लेकिन अब यहां कंस का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा है, तो सब गोकुल वासियों ने निर्णय किया कि हमारे लिए और नंद बाबा का जो लाला है, हमारा जो छोटा सा कन्हैया है, ये स्थान अब इनके लिए ठीक नहीं है। तो सबने निर्णय किया कि स्थान बदल देते हैं, थोड़ा सा प्रकोप कम होगा। सबने सहमति जता दी और अब सब जो है गोकुल से वृंदावन की ओर चले। वृंदावन बेली चम चमेली बसंत बीच गुलावन, मालिन के लड़के तोड़ के तड़के बेचे बीच बजाने, मन बसा मोर वृंदावन, मन बसा मोर वृंदावन, मन बसा मोर वृंदावन, मन बसा मोर वृंदावन, ओ मन बसा मोर वृंदावन में। वृंदावन बेली चमक चमेली बसंत बीच गुलाबन, मालिन के लड़के तोड़ के तड़के बेचे बीच बजारन, मेरी मन बसा मोर वृंदावन, मन बसा मोर वृंदावन। बड़ा रमणीय स्थान है साहब। गायों के बांधने का एक निश्चय स्थान किया गया, बड़ा सुंदर वन है श्री वृंदावन धाम। अत्यंत मनोहर पुष्प लताएं पल्लवित पुष्पित सुगंधित लता विटप है वहां, अत्यंत रमणीय मनोहर गोवर्धन पर्वत है वहां साहब। गिरिराज पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है, ऐसे रमणीय स्थान पर जो सबको आकर्षित कर रहा है, कल कल बहती हुई यमुना जी की धारा है वहां साहब। स्वर्ग जैसा मानो कोई आनंद सा वृंदावन की पवित्र भूमि। इसलिए भक्त लोग बड़े भाव भाव बड़े बड़े चाप चाप से कहते क्या है, मन के अंदर क्या भाव आता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, हारी जी हैं वहां बड़े मोटे मोटे नैनो वाले, इसलिए दिल कहता क्या है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी इसीलिए वृंदावन जाने। राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, यमुना की धारा, वृंदावन में यमुना की धारा, तो डुबकी लगाने को जी चाहता,
की लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, डुबकी लगाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता हाँ, वृंदावन में निधिवन है प्यारा, 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 रास रचाने को जी चाहता, रास रचाने को जी चाहता है, ओ रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने 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 को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में रसिक बहुत है, वृंदावन में रसिक बहुत है, वृंदावन में प्रेमी बहुत है, वृंदावन में प्रेमी बहुत है, मिलने मिलाने का मेरा मिलने मिलाने का दिल चाहता है, मिलने मिलाने इसलिए दिल चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन 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 सब गाइए, वृंदावन 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 हे वृंदावन 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 वृंदावन
वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन वृंदावन बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। वहां का जन्म लेना, वहां के पशु पक्षी जीव पतंग जो भी कुछ वृंदावन के परिसर कुछ भी बन जाए वृंदावन की भगवान कृष्ण की अति कृपा हो तो। साधारण धाम नहीं है वृंदावन, अलौकिक दिव्य धाम है वृंदावन। और वहां के कीट पतंगे भी न जाने कौन से ऐसे ऋषि महामुनि होंगे सर। हमारे आदरणीय पूज्य कथा व्यास हैं श्री पुंडरीक जी महाराज, तो मैं आज एक उनका वीडियो मुझे किसी ने भेजा तो मैं देख रहा था, तो एक वो कथा सुना रहे थे कि एक बार कोई भक्त विदेश से वृंदावन में आए और वृंदावन से जब वो वापस जाने लगे तो उनके बैग में एक छिपकली चली गई साहब, और वो विदेश पहुँच गई छिपकली, तो मेटल डिटेक्टर में नहीं आए कहीं नहीं आए, लेकिन वो विदेश पहुँच गई और जब उसने वहां वो बैग खोला तो वो छिपकली निकल गई। अब भाव देखिएगा, उन्होंने सत्संग सुना हुआ था, उनको ये था कि ये ब्रज की छिपकली है, कोई साधारण छिपकली नहीं है, ये कोई ना कोई देव ऋषि महात्मा कोई ना कोई संत है जो छिपकली के रूप में वृंदावन में है। तो उस जो विदेश की जो स्त्री थी उसने फिर वापस टिकट लेकर के तुरंत उसको पैक कर पकड़ करके पैक किया उसको और वापस वृंदावन तुरंत लौट करके लेकर आकर वृंदावन में जिस कमरे से उस वो रही थी उसी कमरे में उस छिपकली को लाकर छोड़ दिया। एक प्रेम आप धाम के प्रति और धाम में रहने वाले जीव के प्रति उसका प्रेम देखिएगा सर, साधारण नहीं है। भरत जी को हिरण की योनि मिली है, महापुरुष हैं। अहिल्या जैसी बाई को जो जो तपोमूर्ति है ऐसी अहिल्या बाई श्राप के वश पत्थर हो गई है साहब। और अभी हमने श्रवण किया कि ये जो नलकूबर थे जो एक साधारण दो वृक्ष थे, ये वृक्ष नहीं है देवता थे, रुद्र के गण थे, कोई साधारण नहीं थे, जिनका भगवान ने उद्धार किया। तो वृंदावन की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। ये काया शुद्ध हो जब ब्रज धूल अंग लगे, ब्रज की धूल जब अंग पे लग जाए तो साहब समझ चंदन लगाई थी जो ब्रज रज मैंने माथे पर, सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है, वो पहली बार वृंदावन का जान याद है। जिस ब्रज को मैंने चंदन समझकर, आप में से हम में से कितने लोग जो सुनने वाले हैं साहब, वृंदावन की भूमि में पांव रखते ही ब्रज की ब्रज को अपने माथे से लगाते हैं साहब। और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए जाओ तो एक पंडित जी जो हैं वो वहां ब्रजरज ही देते रहते हैं कि जिसको लो और मुंह में डालो, ब्रजरज का बड़ा महत्व है। ये काया शुद्ध होत जब ब्रज धोल अंग लगे, ये माया शुद्ध होए कृष्ण नाम पे लुटाए के साथ, कृष्ण के नाम पर अभी तक नहीं लुटाया था नंद बाबा यशोदा ने, लेकिन जब आनंद कंद आ गया जब भगवान का आ गए तो नंद बाबा के पास जो था सब लुटा दिया था। ये कृष्ण प्रेम है कि जब कृष्ण आता है
जब आनंद आता है, जब प्रेम का प्रागट्य होता है, तो आदमी अपना सर्वस्व लुटा देता है, त्याग करता है साहब। त्याग करने के बाद ही प्रेम का प्रागट्य। जब सूर्य निकलता है तो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। यहां आनंद कंद आए हैं, भगवान का प्रागट्य हुआ। अब तो भगवान बड़े हो गए हैं, उद्धार करते जा रहे हैं। आज नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया है साहब। अपनी लीलाओं से भगवान अब आनंदित करते जा रहे हैं। गोपियों से छेड़छाड़ प्रारंभ हो गई है और वध पर वध करने अब भगवान वत्सासुर का वध कर रहे हैं। बछड़ों का रूप धारण करके झुंड में शामिल हो गया। भगवान देख लिया, भगवान ने, भगवान की नजरों से नहीं बच सकते। बछड़ों जैसा ही रूप बनाकर वत्सासुर बछड़ों के झुंड में घुस गया। भगवान ने पकड़ करके ऐसा पटक करके मारा, तुरंत प्राण निकाल दिया। यहां वत्सासुर का वध कर दिया। सारे ग्वाल बाल अब तो कन्हैया की जय जयकार करने लगे साहब, क्योंकि कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए थे। अब फिर बकासुर का वध किया, बगुले का रूप बनाकर आया है, श्री कृष्ण को खाना चाहता है साहब। भगवान ने उस बकासुर का भी उद्धार कर दिया। और फिर आई बारी अघासुर के वध की। अघासुर जो अजगर के समान ऐसा मुंह फाड़कर मानो कोई पर्वत की गुफा हो, और मैंने शायद पहले दिन भी अघासुर की कथा के बारे में कहा था कि इतना विश्वास अब ग्वाल बालों पर, ग्वाल बालों को कन्हैया पे है कि कन्हैया के पीछे पीछे चल रहे हैं। और उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए गुफा है लेकिन ये अघासुर है सर। और ये अघासुर जो है वो बकासुर का और पूतना का छोटा भाई है। बदले की आग तो वैसे ही इसके अंदर है। तो भगवान जब ग्वाल बालों के सहित घुस गए तो फिर ऐसा रूप धारण किया, ऐसा विराट रूप धारण किया कि उसके शरीर को भगवान फाड़ करके बाहर निकल जाते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं, कल्याण करते जा रहे हैं, अपनी कृपा सब पर लुटाते जा रहे हैं सब, छोड़ नहीं रहे सब। इस अघासुर के वध के बाद ब्रह्मा जी के मोह की कथा आती है कि जब सब ग्वाल बालों के साथ अघासुर का वध करने के बाद भगवान वृंदावन के रमणीक स्थान में जब बैठ जाते हैं ग्वाल मालों की मंडली के साथ, तो मधुमंगल सब ये सब सखा सब बैठे हुए हैं, तो भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, तो भगवान अपने सखाओं के जो मुंह से टपकती हुई छाछ को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं, तो ब्रह्मा जी हैरान हो गए, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। परीक्षा लेने के लिए आए ग्वाल बालों को और बछड़ों को अपने साथ ले गए साहब, और एक वर्ष तक अपने पास रखा। लेकिन भगवान ने अपने ही रूप में से वैसे ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल बाल बना दिए। पूरे एक वर्ष तक लीला करते रहे। और तब ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना की है। यहां ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है साहब। प्रसंग बड़ा विस्तार पूर्वक है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। एक वर्ष तक भगवान ने ये सारी लीला करी है, जिसको कोई समझ नहीं पाया। ग्वाल बालों को लगता है मानो आज कोई नई बात हुई है साहब। और फिर आगे वध के क्रम में आज धेनु का सुर का वध है। धेनु का सुर को भगवान ने स्वयं नहीं मारा, धेनु का सुर का वध भगवान ने बलराम जी से करवाया है। क्योंकि ये धेनु का सुर जो है ये प्रहलाद जी के वंश का है साहब, इसलिए भगवान ने तो पहले ही कहा था कि मैं आपके कुल में किसी को मारने वाला नहीं। तो इसका उद्धार बलराम जी के माध्यम से कराया है। ये धेनुकासुर तालवन का धेनुकासुर नहीं है साहब।
जिस तालवन में ये धेनु का सुर रहता था ये अधिकार जमा के बैठा हुआ है। और दूसरों की संपत्ति में, मैंने कल भी कहा कि जब अधिकार होता है तो नाभाग का जब प्रसंग चल रहा था उस समय कि दूसरों की संपत्ति पे वे वजह अधिकार ना करो साहब, कब्जा ना जमाओ साहब। यहां धेनुकासुर ने तालवन पर कब्जा कर लिया जो उसका अपना नहीं था, और ग्वाल बालों को तालवन में मीठे मीठे फल लगते तो भगवान ने यहां अपनी लीला के माध्यम से, समय नहीं है कि विस्तार करने का, बस आप सार समझ लीजिएगा कि दूसरों की संपत्ति पे जो आपकी नहीं है उस पे अधिकार न जमाओ। तो धेनुकासुर का वध जो है वो बलराम जी से कराया है, और जब धेनुकासुर का वध करके आए तो आज अगले दिन कालिए को नागना है, कालिए की खबर लेनी है। जिस नाग ने यमुना जी को दूषित किया हुआ है कल उस नाग की खबर लेनी है। तो आज भगवान चाहते हैं कि मेरे साथ बलराम जी ना जाएं, इसलिए थोड़ी सी हंसी मजाक करते टिटोली करते माँ यशोदा के साथ जब भोजन करने बैठते हैं रात्रि का, तब कहते मैया आज तो कमाल हो गया, क्या हुआ? बड़े जोर जोर से श्री कृष्ण हंसने लगे मुस्कुराने लगे, क्या हुआ? आज तो भैया ने गधे को मारा, और जो गधा कहा तो बलराम जी थोड़े चिढ़ गए एकदम, इतना बड़ा राक्षस था, गधा नहीं था वो, राक्षस था वो। नहीं नहीं मैया, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं था, वो तो दुबला पतला सा एक मरियल सा गधा था। ऐसी ऐसी बातें करके तो हंसने लगे सब। अब बलराम जी का क्रोध बढ़ गया, और जो क्रोध बढ़ा तो क्रोध में कह दिया कल हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे मैया, कल हम कन्हैया के साथ नहीं जाएंगे। अब कन्हैया तो यही चाहते थे कि कल मैं कालिए को नाथ निवाला हूं, कल कालिए की खबर लेने वाला हूं, और मैं यही चाहता हूं कि बलराम जी उस वक्त वहां ना हो। तो अगले दिन जब गए यमुना जी के पुलिन पर, आज कालिए का भाग जगाने वाले हैं, कालिए को रमणक दीप भेजने वाले हैं, नाग पत्नियों का देखिएगा क्या रूप देख करके, जिसके पति को मारा जा रहा हो ऐसी नाग पत्नियां भगवान के रूप को देखकर बड़ा आनंदित होती है। नाग पत्नियों ने वहां स्तुति की है, और भगवान कालिया के शीश पे नृत्य कर रहे हैं, अपने चरण कालिया के बन पर डाल दिए हैं, कालिए का नाग को उसको नाथ रहे हैं साहब। बड़ा युद्ध चल रहा है जमुना जी के अंदर, आज जमुना जी को विष मुक्त करना है साहब। भगवान एक एक प्रण को अपने सत्य करते जा रहे हैं, यमुना जी का उद्धार करना है साहब। नाग पत्नियों ने स्तुति की, भगवान ने कालिए को क्षमा करा और कहा कि आप यमुना जी को छोड़कर अब यहां से रमणक दीप चले जाइएगा, और कालिए ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की स्तुति करके वो भी वहां से चला गया। आगे भागवत के क्रम के अंदर ब्रजवासियों की दावानल से भगवान रक्षा करते हैं, और फिर आता है वेणु गीत। भागवत में कई प्रकार के गीत हैं, वेणु गीत और फिर प्रणय गीत। प्रणय गीत के बाद जिस गीत के एक श्लोक का हम आधार ले रहे हैं, गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, तो एक वेणु गीत, फिर प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, विलाप गीत जिसे कुर्री गीत कहते हैं, एक भिक्षु गीत, और भिक्षु गीत के बाद एल गीत, पिंगला गीत, भूमि गीत और रुद्र गीत। ये इस प्रकार से भागवत के गीत हैं। तो हमने जो गोपी गीत के एक नौवें श्लोक का जो आधार लिया है हमने, तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो यहां वेणु गीत है,
वेणु गीत का और जो गोपी गीत है इसका दर्शन हम कल करेंगे। वेणु गीत के बाद भगवान ने चीरहरण की लीला करी है। चीरहरण की लीला करके भगवान ने जो भी आवरण है ब्रज की गोपांगनाएं कात्यायनी व्रत करती हैं सब। हेमंत ऋतु है, मार्गशीर्ष का महीना है, सवेरे सवेरे जमुना जल में स्नान करने के लिए ये गोपांगनाएं जाती हैं और गोपांगनाएं के मन की प्रार्थना क्या है सर? हे देवी, हे नंद, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। श्याम सुंदर ही हमारे पति हो सर। एक महीने तक उनका ये व्रत चलता रहा और यमुना नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए बड़े आनंद के साथ ये जल क्रीड़ा कर रही है। भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। उनसे भला ये गोपियों की जो उनके मन की इच्छा है वो कैसे छिपी रहेगी? मन की इच्छा भगवान से अंतर्यामी है। भगवान अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की जो मन की इच्छा थी उसको सफल करने के लिए भगवान यमुना तट पर जाते हैं और उन्होंने अकेले ही सारी ब्रज गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया है सर। और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और कदम्ब के वृक्ष पर जाकर फिर कहते हैं कि अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ सर। महाभागा हैं ये व्रज की गोपांगनाएं जिनके साथ जिस प्रेम में, जिस गोपी प्रेम में श्री कृष्ण उनके साथ ये लीला कर रहे हैं सर। गोपी ठंड से ठिठुर रही है और कृष्ण के प्रेम में डूब रही है। दोनों का अपने प्रीतम की आज्ञा को मानकर वो जल से बाहर निकल कर आती है। भगवान आज उनके आवरणों को हटाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूं, तुम मेरी निकटता प्राप्त करना चाहती हो, तुमने अपना मन मुझे अर्पित कर रखा है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी, जाओ अब तुम अपने अपने घर को लौट जाओ। चीर लीला के हरण से भगवान, जो चीर हरण की लीला है उसमें भगवान कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे में कोई भेद नहीं होना चाहिए। मैं कौन, पिया कौन, कोई बूझे न बूझ पाए, मैं कौन हूं, पिया कौन है। गोपियों के मन की दशा है। और इसके बाद भगवान अब जो लीला करने वाले हैं वो गिरिराज जी की लीला करने वाले हैं, गोवर्धन पर्वत की लीला। भगवान एक बार भाव से ध्यान करते हुए श्री गिरिराज जी की लीला में प्रवेश करें। बोलिए गिरिराज धरण की। भगवान गिरिराज जी का उत्सव गोवर्धन लीला एक बार मन से धीरे धीरे अपने आप को श्री गिरिराज जी के साथ जोड़ करके भाव से गिरिराज जी पहुंच जाइएगा और प्रेम से पुकारिएगा, गिरिराज शरण में रहिए। गिरिराज राधे राधे।
तो जरा भुजा उठा कर गिरे राज शरण भगवान गिरिराज जी की लीला करें। बने एक लीलाएं करें ब्रज की, ये सबसे बड़ी ऐसी लीला है साहब। कन्हैया ने देखा सब गोप इंद्र के यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। अंतर्यामी हैं, स्वर्ग सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उनसे बात कोई छिपी ही नहीं है साहब। सब कुछ जानने के बाद नंद बाबा से अनजान बन के पूछते हैं, बाबा ये कौन से उत्सव की तैयारी चल रही है, ये कौन सा उत्सव है, क्या ये उत्सव शास्त्र संबत है या ये लौकिक है, मैं जानना चाहता हूं। बाबा ने कहा, लाला ये भगवान इंद्र जो हैं मेघों के स्वामी हैं, ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं, वे अपने प्राणियों को तृप्त करने वाले हैं, अनेक प्राणियों को तृप्त करने वाले, जन वृष्टि करने वाले, जल की वृष्टि करने वाले इंद्र देवता, जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। खेती आदि प्रयत्नों के जो फल देने वाले हैं ये श्री इंद्र ही हैं साहब। ये धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आ रहा है और मनुष्य काम क्रोध लोभ भव जो भी उसके हैं, जो ये परंपरा चली आ रही है, सर्व प्रकार से हम इंद्र का पूजन कर रहे हैं। एक बात यहां से सूत्र के रूप में ये पकड़ लें कि हमारे परिवार में, हमारे धर्म के अंदर जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का निर्वाह करना हमारा फर्ज है, यही हमारा धर्म है। जो परंपराएं चली आ रही, अभी जैसे पितृपक्ष चल रहे हैं तो हमारे पितरों का तर्पण, उनका पिंडदान करना ये हमारा फर्ज है। सनातन परंपरा का आप अनुकरण करिएगा साहब। सनातनी होने के साथ साथ हमारी सनातन परंपरा क्या है इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए साहब। और सनातन तो बहुत व्यापक है, सनातन धर्म बहुत व्यापक है और सनातन धर्म के भगवान श्री कृष्ण बहुत व्यापक हैं साहब। आज वही यही सिखाना चाहते हैं व्यापकता से साहब। श्री कृष्ण इंद्र के मद को नाश करने वाले हैं आज। बाबा की बातों को सुनकर भगवान ने कहा, सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं बाबा, इसमें इंद्र की कोई भूमिका नहीं। श्री कृष्ण कर्मों का बखान कर रहे हैं, छोटे से हैं साहब,
कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। साहब गीता के जो श्लोक हैं उनके अंदर ये भाव है, कर्म ही ईश्वर है। मनुष्य को चाहिए कि अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म का आदर करें, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका चलती हो वही उसका इष्ट होता है, वही उसका भगवान होता है। अब जैसे व्यापारी के लिए, दुकानदार के लिए ग्राहक उसका भगवान है, ग्राहक उसका भगवान है। तो जो भी ये कर्म मनुष्य की जीविका जिससे चलती हो साहब, वो उसका भगवान है। हमारा आधार गोपालन है। अब कन्हैया देखिए किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पिताजी हम तो सदा से वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं, इसलिए हमें गौओं को, ब्राह्मणों को, और जहां ये गौएं चरती हैं, जिस पर्वत पर चरती हैं, ऐसे गिरिराज पर्वत की पूजा करनी चाहिए। बाबा तुम कौन से की पूजा कर रहे हो सर? भली भातर आप सब गिरिराज जी का पूजन कीजिएगा, मेरी ऐसी सम्मति है। मुझे प्रिय लगेगा अगर आप गिरिराज जी को पूजन करेंगे साहब। छोटे से कन्हैया लेकिन आज बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, तो बाबा भी बड़े एक टक होकर देखते रहे कि आज मेरा लाला कैसी ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें कर रहा है, और उस ज्ञान के परिभूत, क्योंकि भगवान ने ऐसी लीलाएं कर दी थी, ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया था कि ब्रजवासियों का विश्वास कृष्ण पर बढ़ गया। मैंने आपको पहले दिन की कथा में कहा कि ब्रजवासियों के सर्वस्व थे हैं कृष्ण, हैं और रहेंगे, सर्वस्व हैं ब्रजवासियों के श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण ने कह दिया कि गिरिराज जी का पूजन है, तो आज सबने सम्मति प्रदान कर दी। हाँ, जैसे हमारे कृष्ण कहेंगे, जैसा हमारा लाला कहेगा, हम उसी प्रकार से करेंगे। सबने सम्मति प्रदान कर दी गिरिराज की प्रदक्षिणा। और श्री कृष्ण अब, क्योंकि इंद्र जो है क्रोध में प्रकट हो रहा है सब, इंद्र का क्रोध बढ़ता जा रहा है। इंद्र ने देखा कि ना तो मेरा अपमान हो गया सब, मनमोहन की पतिया सुन के हंस नंद ने गोद समोद उठाया, ये भोला कन्हैया जाने कछु कहते हुए प्यार से यू समझाया, समझा रहे लाला को, ये इंद्र की पूजा का उत्सव है, जिसने जल वर्षक मेघ बनाया, तृण धान्य प्रदाता हमारा वही, कुल देवता पूज्य की है सब माया। तो कन्हैया ने तो समझा दिया कि बाबा बे छोड़ो पूजा उजा, अब तो गिरिराज जी की पूजा करो सर। तो साहब सब ने सुकृति प्रदान करी है, तो क्या किया, कर पूर्ण प्रदक्षिणा पर्वत की, एक बार भाव से फिर गिरिराज जी का स्मरण करते हुए बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। कर पूर्ण प्रदक्षिण पर्वत की, क्रम से सबको बिठलाया गया, जिस भांति कहा मधुसूदन ने उस भांति का साज सजाया गया। और देखिए जिनकी मैं बात कर रहा था कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, हमारा फर्ज है, हमारा नैतिक दायित्व है कि अपने पितरों को तृप्त करने का। आज भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी के पूजन से यही काम सिखा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ, ब्रज के गोपों के साथ क्या कर रहे हैं, आज खुद स्वयं पंडिताई का काम, भगवान श्री कृष्ण
कैसे पूजा होती है, पूजा का विधान क्या है, वो सब बता रहे हैं। कर पूर्ण प्रदक्षिणा पर्वत की क्रम से सबको पिठिलाया गया। जिस भांति कहा मधुसूदन ने उस भांति का साज सजाया गया। किए अग्रज अंतज तृप्त सभी अपने पूर्वजों को तृप्त किया था, पितरों को तृप्त किया है। कि अग्रज अंतज तृप्त सभी दिल खोल के द्रव्य लुटाया गया। पढ़ा मंगल पाठ पुरोहितों ने गिरिराज को भोग लगाया गया। बल गिरिराज महाराज जय हो। इंद्र को क्रोध चढ़ गया। जरा देखो इन्हें ब्रजवासियों को धन के मद में मतवाले हुए हैं। कुल देवता छोड़ के पर्वत का कर पूजन शक्ति संभाले हुए हैं। इंद्र ने आदेश कर दिया, क्या परिवार से इनको नष्ट करो, परिवार से इनको नष्ट करो। बड़ी मौज में डेरा डाले हुए हैं। उस पंडित कृष्ण को दंडित करो जिस काले के सांप ये पाले हुए हैं। मद है, अहंकार है, श्री कृष्ण को काला कह रहे हैं, दंडित करने की बात कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, जब ऐसी मूसलाधार बरसे, बर्फ के मोटे मोटे गोले पड़ने लगे, हाहाकार होने लगा। सब ब्रजवासियों ने कहा, लाला क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं हूं ना, चिंता किस बात की करनी है। भय दूर हुआ ब्रजवासियों का, बड़ा विश्वास है कन्हैया पर। भय दूर हुआ सब ब्रजवासियों का, कुछ योग प्रभाव सा अद्भुत ढारा। गिरिराज उठा लिया हाथों में यो गजराज उठाता जो फूलों की माला। जैसे हाथी फूल की माला उठाता है, उसी भांति भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगला पर धारण कर लिया। बोल ये गिरिराज महाराज की जय हो। सब भगवान गिरिराज जी की शरण के अंदर आ गए हैं साहब। गोवर्धन की लीला है साहब। जय जय, सब चारों तरफ अब तो जय जयकार होने लगी है। कन्हैया की जय जयकार के कन्हैया ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया। ओ गिरिराज जी का पूजन हो रहा है साहब। श्री गोवर्धन महाराज, 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 गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े दूध की धार, तो पे चढ़े दूध की धार, तो पे चढ़े दूध की धार, तो पे चढ़े दूध गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, 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 तेरे कान में कुंडल साज रयो,
कानों में कुंडल साज रहो, तेरे कान कुंडल साज रहो, तेरे कानों में कुंडल साज रहो, तेरी झांकी बड़ी विशाल, तेरी झांकी बड़ी विशाल, हे गिरिराज महाराज, जय हो, तेरी झांकी बड़ी विशाल, तेरी झांकी बड़ी विशाल, श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, ऐसी महिमा है भैया, तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। इसलिए भक्त कहते क्या है, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण, हाँ बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण, बस एक बार की शरण, बस एक बार आ जा गिरिराज, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण, बस एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, 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 बोलिए गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। आज की कथा को यहाँ विराम दो, एक दो भाव हमारी छोटी बिटिया आरुषि के मुख से श्रवण करके फिर आज विराम करेंगे, आरती करेंगे। आज भगवान का 56 भोग लगा था, तो भोग का प्रसाद, प्रसाद के लिए थोड़ी जल्दबाजी ना मचाए था। मैं देखता हूँ कई बार ज्यों एकदम से उठा तो वहाँ लाइन लगने की तैयारी हो जाती है। कथा को थोड़ा सा जमाइएगा साहब, थोड़ा सा रचाइएगा, पचाइएगा साहब, तब वो प्रसाद भी आपके लिए अमृत बन जाएगा साहब, वो प्रसाद भी अमृत का काम करेगा थोड़ा सा। इसलिए जल्दबाजी ना करें भागने की साहब, आराम से तसल्ली से कथा का आनंद लीजिएगा। आज 5 दिन हो गए पूरे, 2 दिन और बाकी हैं साहब, तो समय का सदुपयोग कीजिएगा, कथा का श्रवण कीजिएगा, कथा को सुनते सुनते दिल में प्रेम जगाइएगा साहब, और प्रेम को फिर उसको अपने व्यवहार में उतारिएगा साहब, व्यर्थ ना जाए, सेवा कीजिएगा जो बन पड़े आपसे साहब, सेवा, सेवा परमो धर्म, सेवा परम धर्म है साहब, और सेवा प्रेम से करनी चाहिए, जबरदस्ती से नहीं साहब, प्रेम के साथ। श्री राधे। हमारे राजेश भाई बैठे हैं, अपना घर भारतवर्ष में विश्व में बड़ा विख्यात है, अपना घर के उसमें, तो उसमें जो सेवाएं होती है बड़ी प्रकार की सेवा, और ऐसी सेवा जो बिल्कुल प्रेम के साथ की जाए, बड़ी श्रद्धा के साथ की जाए, बड़े आदर के साथ की जाती है सर, जहां धन विषय नहीं है, मनुष्य को जीव को वहां प्रभु जी कहकर संबोधित किया जाता है सर, प्रभु जी का जो मनुष्य जीवन है साहब, ऐसे प्रभु जनों की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी आपको निवेदन किया कि आप ऐसे धर्म दैवी कार्यों के अंदर जुड़िएगा साहब, ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़िएगा जो वृद्धों की सेवा करते हो साहब, आप सेवा करेंगे तो आपकी सेवा होगी, आप किसी की सेवा नहीं करेंगे तो आप भी सेवा की अपेक्षा न रखिएगा साहब। तो आज की कथा यहां विराम ले, मेरा निवेदन कि जितना हो प्रेम पूर्वक उस प्रेम को मन के अंदर रचा कर पचा कर
सेवा कीजिएगा, जो सेवा भाव गोपियों में श्री कृष्ण को सुख देने का है साहब, आप भी किसी को सुख प्रदान कीजिएगा तो ये कथा आपके लिए आनंदमय हो जाएगी। आइए भाव से जय घोष करते हुए वाणी को विराम दूं, भजन का आनंद लीजिएगा, फिर आरती करेंगे, तब आप प्रसाद लीजिएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मूल गिरिराज धरण की जय, हो गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, जब आवे गोवर्धन को गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, जब आवे गोवर्धन को गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, जब आवे गोवर्धन को गिरवर से ध्यान लगाए लीजो, जब आवे गोवर्धन को जब आवे गोवर्धन को, अरे जब आवे गोवर्धन को, जब आवे गोवर्धन को, अरे जब आवे गोवर्धन को, जब आवे गोवर्धन को, अरे जब आवे गोवर्धन को, गिरिवर सो गिरिवर सो जय जय गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, जब गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, आवे गोवर्धन को गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, आवे गोवर्धन को गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, आवे गोवर्धन को हो दर्शन दान घाट के प्रभु के चरण कमल चित धर के दर्शन दान घाट के करके प्रभु के चरण कमल चित करके दर्शन दान घाट के करके प्रभु के चरण कमल चित धर के दर्शन दान घाट के करके प्रभु के चरण फिर मान से गंगा नहाए लीजो, जब आवे गोवर्धन को फिर मान से गंगा नहाए लीजो, जब आवे गोवर्धन को गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, जब आवे गोवर्धन को गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, आवे गोवर्धन को जब आवे गोवर्धन को, हरी जब आवे गोवर्धन को, जब आवे गोवर्धन को, हरी जब आवे गोवर्धन को गिरिवर सो जाहो, गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, जब आवे गिरिवर सो ध्यान लगाए लीजो, जब आवे गोवर्धन को हो उद्धव कुंड में आचमन कीजे, दान गौशाला में दीजे, उद्धव कुंड में आचमन कीजे, दान गौशाला में दीजे, उद्धव कुंड में आचमन कीजे, दान गौशाला आचमन कीजे, दान गौशाला में दीजे, हो फिर राधा जय हो, फिर राधा
आवे गोवर्धन को फिर राधा कुंड में आए ली जो आवे गोवर्धन को गिरिवर सो ध्यान लगाए ली जो आवे गोवर्धन को गिरिवर सो ध्यान लगाए ली जो आवे गोवर्धन को कुसुम सरोवर आदि विचर के नारद कुंड के दर्शन करके कुसुम सरोवर आदि विचर के नारद कुंड के दर्शन करके कुसुम सरोवर आदि विचर के नारद कुंड के दर्शन करके कुसुम सरोवर आदि विचर के नारद सरोवर के दर्शन कर वहाँ दाल चूरमा खाए ली जो जब आवे गोवर्धन को वहाँ दाल चूरमा
गहवर वन और खोर साकरी मोर कुटी बलि जाओ, गहवर वन और खोर साकरी मोर कुटी बलि जाओ, ऐसी 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 कृपा करो श्री राधे, मैं तो वृंदावन बस जाओ, ऐसी कृपा करो श्री मानसी गंगा में गोते लगाऊं, 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 स्वर्ग लोक बैकुंठ न पाऊं, श्याम चरण बलि जाऊं, स्वर्ग लोक बैकुंठ न पाऊं, श्याम चरण बलि जाऊं, ऐसी ऐसी कृपा करो श्री राधे, मैं तो वृंदावन बस जाऊं, ऐसी कृपा करो श्री राधे, मैं वृंदावन श्री भाग
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से